हेलो सीओ साहब, कटरा बोल रहे हैं जी। हम डॉक्टर राजेश यादव बोल रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल जी। बोला है कि राम सुफल राय है, मनगवा आपके यहाँ कोई गांव है? हाँ है। सरपंच साहब का क्या मामला है, उनका सरकारी जमीन वगैरह में कब्जा किए हैं क्या? हाँ वहाँ पर 2008 से मामला है वहाँ पर लटका हुआ। अच्छा हाँ तो हम लोग तो उसको बीच बिचाव कर दिए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंश भाग अभी रह गया है, तो उसके लिए हो रहा है कि नहीं सबको क्लियर एकदम करा देना है। अच्छा अंश भाग रह गया है, तो मान लीजिए सरकारी जो बिहार सरकार सर्व साधारण है उसी पर ना चलेगा अतिक्रमण? सुना जाए ना, अब हम का उसमें हम का कहें, हम तब उनको उनके साथ थे, हम बोले थे उनको ये, तो हम लोग का तो व्यवहार हम नहीं चाहते हैं कि कोई वाई ग्रुप डिस्टर्ब हो, लेकिन हम ही बर्खास्त हम होने जा रहे हैं, तो इसलिए काहे ना बर्खास्त होइएगा, मंत्री जी प्रेशर में, मंत्री जी के एंटी आदमी है सरपंच साहब, इसलिए नहीं तो माने मान लिया जमीन जहाँ है वो कर देंगे तो न कुछ कहेंगे। हाँ हाँ जो सरकारी जमीन है वो तो मान लीजिए विधि सम्मत होवे करेगा, लेकिन जो निजी जमीन है उस पर तो अतिक्रमण बात नहीं चलना चाहिए। हाँ नहीं टूटेगा निजी में, नहीं समझे? मान लीजिए मंत्री है तो क्या हम तेजस्वी बाबू से कल मानसून सत्र स्टार्ट हो गया, कल विधानसभा में क्वेश्चन करवा देते हैं, मंत्री को जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ तो मंत्री मान लीजिए मंत्री है, ठीक है सरकारी जमीन के खाली कराने के लिए आदेश जारी कर देंगे पदाधिकारी को, लेकिन किसी के निजी जमीन को मंत्री ने ना खाली करवा देगा? नहीं, संविधान में लिखा हुआ नहीं ना है कि मंत्री किसी के निजी जमीन को नहीं है, निजी में कैसे हो जाएगा? कोई बुलडोजर चलवा देगा, उसके ऊपर कोर्ट भी ना है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, विपक्ष भी लोग है। राम सुगत राय जी के मान लीजिए व्यक्तिगत दुश्मनी है उस सरपंच साहब से, तो हमको भी मालूम चला है, लेकिन मान लीजिए व्यक्तिगत दुश्मनी है तो सरकारी जमीन खाली करवा देगा? तो उसमें भी कहे थे मैंने जाकर आप मिल लीजिए, हम जहाँ जहाँ भी रहे सब लोगों को मिल मिलाप करा देते हैं। नहीं नहीं जरूरी है, कहाँ के रहने वाले हैं सीओ साहब आप? हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, मोतिहारी के। हाँ हाँ कौन ब्लॉक? हाँ कौन से ब्लॉक के? छौड़ा दाना। अच्छा छौड़ा दाना, अच्छा अच्छा लक्ष्मी यादव को जानते थे? कहा लक्ष्मी नारायण यादव जो मैंने पूर्व विधायक वाले? हाँ हाँ पूर्व विधायक, हाँ 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 खूब जानते हैं। अच्छा तो देखिए इनको मदद कीजिए, जो विधि सम्मत है उनको मदद कीजिए, किसी के दबाव में काम नहीं कीजिए। देखिए हम विधि सम्मत, देखिए हमारा तीन महीना हमारा नौकरी बचा है। अच्छा और अब इनके अनुसार हम लोग नहीं इतना कर पाए तो हमको ऐसी कर दिए हैं, टीम रेवेन्यू का बुलाकर जांच कर दिए हैं बर्खास्त करने के लिए। अच्छा तो हमको तो मैंने आपको बर्खास्त करने के लिए तो आप सरकारी जमीन पर ना सीओ साहब अतिक्रमण बात चलाइएगा एकदम अतिक्रमण में जो है मंत्री के कहने से, सुनिए ना तो हमने रखे है उसी को ना कुछ करेंगे। हाँ हाँ दूसरी बात की जो निजी जमीन है मंत्री के, मान लीजिए मंत्री के मंत्रियों का आएगा तो थोड़े होगा? ना ना नहीं होगा। हाँ तो इसीलिए जो सरकारी जमीन है इससे पूर्व में तो अतिक्रमण बात खाली करा दिया गया, लेकिन फिर नोटिस सुनते हैं कि आज उनको किया गया है। हाँ इसलिए भी थोड़ा मैंने जो अंश भाग रह गया इसी को मैंने नापी करवा के ना होगा, नापी करवा के ना होगा कि अंश भाग कितना निकला? कितना नापी हुआ है पूर्व से, है पूर्व से ना हुआ है, लेकिन अब जो अंश भाग निकला है कि हम ऐसा हमारा नियत नहीं है कि हम उनको जानबूझकर जान रहे पॉलिटिकल दबाव है आपके ऊपर, हम समझ रहे हैं। हाँ हाँ तो पॉलिटिकल दबाव है तो कल हम विधानसभा में असेंबली क्वेश्चन करवाते हैं, विषय बनाते हैं इसको, अपने मंत्री के जवाब देने में हवा निकल जाएगा, जादवे के ऊपर चलवा रहा है बुलडोजर, इसने मंत्री रहेगा बिहार में? है यादव के ही तो ऐसी होना चाहिए था, पॉलिटिकल दुश्मनी के कारण।